सकरिया हवाई पट्टी से टकराई तेज रफ्तार कार, रेस्क्यू कर चालक को निकाला। शराब के नशे में वाहन चला रहा था चालक, कार हुई चकनाचूर। सकरिया हवाई पट्टी से एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के पर खिच्चे उड़ गए और चालक एक और महिला कार में बुरी तरह से फंस गई, जिन्हें समाज सेवियों और राहगीरों की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और डायल 100 की मदद से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया, जहां महिला का अभी कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं चालक का उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना में जारी है। बताया जा रहा है कि सतीश कुमार कनौजिया उम्र 33 वर्ष निवासी इलाहाबाद, जो पन्ना की ओर आ रहा था, जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किए हुए था और अज्ञात महिला को भी साथ में बिठाया हुआ था, जिसकी कार अनियंत्रित होकर सकरी हवाई पट्टी से टकरा गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल का उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना में जारी है, जिसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं महिला का अभी भी पता नहीं चल पाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उप निरीक्षक संजय सिंह जादव ने क्या कहा, आप भी सुने। व्यक्ति सतीश कुमार कन्नौजिया है, उनके साथ एक महिला भी थी और इन्होंने ज्यादा मात्रा में दारू पी के रखा था और वाहन ओवर स्पीड में होने की वजह से अनकॉन्शियस होकर हेलीपैड के जो फॉलकॉन कंपनी का जो बना हुआ है उसमें आके टकराए हैं और सेफ हैं, अभी सुरक्षित हैं। और दारू पीने की वजह से इनका ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से बाल बाल बच गए हैं और इवैक्यूएशन करके हमने इनको हॉस्पिटल लाके और इलाज जारी रखा है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कार्रवाई आगे की? ये अहमदपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, यूपी के रहने वाले हैं और बस यही है, पेट्रोलिंग कर रहे थे उस दौरान ये घटना घटी है। तो हमें बजे क्या रही शराब के नशे? बजे हैवी डोज शराब का लिया हुआ था और भी कुछ हो सकता है, तो वो संबंधित व्यक्ति अनकॉन्शियस है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो संभवतः ये है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। तो हाईवे पर ये गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे थे और अपने आप में अनकॉन्शियस थे, इस वजह से ये घटना घटी है। सर, गाड़ी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई? हाँ, तो गाड़ी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंडीशन बहुत ही गंभीर है और गॉड ब्लेस कि वो बच गए, इतना सुरक्षित रह गए और हमने फर्स्ट एड उसको फास्ट स्पीडली आके दिलवा दिया। थैंक यू।